Hi guys, welcome to your favorite YouTube channel, Special Care On Self. Hi, sir. हम लोग जा रहे हैं. लोकल ट्रेन पे सफर कर रहे हैं. हम लोग घूमने जा रहे हैं. ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे लोकल ट्रेन में सफर करना ही सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से नज़ारा दिखाता है. हम लोग जा रहे हैं प्रिंसेप घाट, नदी के सामने से हम लोग जाएंगे, गंगा नदी के सामने से. तो लोकल ट्रेन में सफर करेंगे तो वो देखने को मिलेगा और आपको भी मैं दिखाऊंगी, इसीलिए हम ट्रेन में जा रही हूँ. अभी हम लोग दमदम से निकल रहे हैं, दमदम स्टेशन से. मेरे साथ आप लोग भी जा पाएंगे. लोकल ट्रेन सफर करना एक अलग ही मजा है. और ये फिर का टाइम है तो अभी लोकल ट्रेन एकदम खाली है. देखिए, मैं अकेली ही बैठी और भी है, मैं जिस तरफ बैठी हूँ यहाँ पे मैं अकेली ही बैठी हूँ. और फिर का टाइम है तो खाली है. ऐसे कलकत्ते में लोकल ट्रेन बहुत ही रहता है, ऑफिस टाइम नहीं, अभी तो ऑफिस टाइम नहीं है. और इस तरफ थोड़ा बहुत हल्का ही रहता है. तो आज पूरा इंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ ही, और जो भी मैं इंजॉय करूँगी सब आपके साथ शेयर करूँगी. आ चुके हैं. ये है बैक साइड का नज़ारा. और पहले मैंने DSLR में दिखाया है आपको, अभी मैं मोबाइल से खींची हूँ ताकि आपसे बात भी हो पाए. तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, पर आज आपके साथ मैं आई हूँ. तो यहाँ पे हर कोई आके फ़ोटो खींचता है, सेल्फी लेता है, तो मैं भी सेल्फी लूँगी. तो वैसे अच्छा लग रहा है, बहुत ही वेदर भी बहुत कूल हो गया है. अभी धीरे धीरे ठंड के मौसम आ रहा है. कलकत्ते में अभी तक ठंड गिरा नहीं है. सुबह थोड़ा बहुत हल्का ठंडा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं आया है, कहीं पे भी शायद नहीं आया होगा. तो देखिए यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है. ये सामने जाते हैं, सामने जाके देखते हैं. देखिए मैं आ गई हूँ एलिफेंट के सामने. घास का बना हुआ है एकदम, मुझे लगता है ये नेचुरल घास नहीं है, प्लास्टिक का घास है. तो देखिए अभी जो छोटा छोटा प्यारा सा एलिफेंट, सो स्वीट. मुझे तो ऐसे ही एनिमल्स बहुत प्यार है. जैसे भी हो, प्लास्टिक का खिलौना हो और जो भी हो, मुझे अच्छा लगता है. तो मैं जो बोलूँ, अच्छा इनको थोड़ा आप बोल दीजिए, मेरे लिए भी कुछ करें. सिर्फ हाँ, जरूर करूँगा. मरने के बाद नहीं, पहले से ही. नहीं नहीं, जिंदा रहने के साथ साथ ही करूँगा. ठीक है ना, ताजमहल खड़ा हुआ जो हाँ, भी पेरिस का छोटा छोटा मिल जाता है दुकान में, 5-10 रुपये में मिल जाता है वो, के 1 लाख रुपये क्या. हाँ मैं तो कोई सेंस है नहीं, ये इतना बड़ा महल खड़ा कर दूँ, है ना. शायद कोई गुजर गए थे उनका, उनके बाद ये घाट हुआ था. अभी फुल डिटेल्स नहीं मालूम है, जो जिनको भी मालूम है वो जरा मेरे कमेंट्स बॉक्स के नीचे जो जा रहा है वहाँ पे आप लिख सकते हैं डिटेल्स में. मुझे तो पता नहीं है, जो भी मैं मुझे जो थोड़ा बहुत लगता है मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ. तो ये मेरा कैमरा मैन फ़ोटो खींच रहे हैं इसका, DSLR में इसको, इसका फ़ोटो खींच के भी आपको दिखाया जाएगा. और सामने ही गंगा नदी है, तो गंगा नदी के सामने जाके तो मन उदास हो जाते हैं. अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलता है. मुझे गंगा नदी बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, मुझे समुंदर भी अच्छा लगता है. मुझे पानी से प्यार है, पर मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे भी नहीं, मेरे हस्बैंड को भी नहीं, दोनों ही हम लोग तैरना नहीं जानते. पर वो पानी से डरते हैं, मुझे डर नहीं लगता है. मुझे डूब के मरने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डूब के मर जाऊंगी भी तो मुझे गम नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पानी इतना ही अच्छा लगता है.
मैं जब छोटी थी तब मैं ट्राई की थी तैरने के लिए, बहुत कोशिश की थी पर सीख नहीं पाई हूँ। तो फ्रेंड्स आज मेरा दिन ना सुबह बहुत अच्छा नहीं बीता है, सुबह उठ के ही मैं थोड़ा गिर गई थी। गिर के देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रेड कलर हो गया है, फिर भी गया था। तो मैं जल्दी जल्दी में सोची थी जल्दी जल्दी जाना है मुझे, जल्दी जल्दी सब वीडियो लेना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है, ये सोच के जल्दी से निकलने के लिए इतना जल्दी जल्दी मैं पैर फिसल के गिर गई। और जाने के बाद यहाँ पे फूल भी गया, फिर बर्फ़ लगाया मैंने, फिर ये पूरा मेरा स्किन के लेवल हुआ, फिर निकले हैं हम लोग। तो ज़्यादा जल्दी सही बात नहीं है जी, अभी मालूम चला आज का एक्सपीरियंस से ज़्यादा जल्दी कुछ भी नहीं चाहिए भैया, जब जिसका टाइम होता है तभी निकलना चाहिए। ज़्यादा जल्दी निकलना है तो ऐसे फिसल जाएंगे आप, फिसल के गिर जाएंगे तो और भी लेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में मैं इतना जल्दी नहीं निकलूँगी, ऐसे भी और भी जल्दी आते तो सुबह रहता, मैं और भी कुछ टाइम पास कर सकती थी आप लोगों के साथ यहाँ पर बैठे बैठे। तो चलिए अभी जाते हैं, थोड़ा गम भी शेयर कर लिया मैंने, देखिए। और इग्नोर दिस, मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाया है, ये क्या करें टाइम नहीं मिला है, दर्द के मारे मैं नेल पॉलिश लगाने के लिए भूल गई थी। ऐसा तो प्लानिंग था आज पूरा टाइम है मेरे पास, आज पूरा घूमेंगे फिरेंगे तो सिर्फ अपने आप में टाइम बिताएंगे और आप साथ सभी के साथ बकबक करेंगे, उनके साथ घूमेंगे। तो हुआ नहीं सर जाए, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ओह अच्छा, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, अच्छा बात है, हमें इतना टाइम तक पता नहीं था ये क्या चीज़ है ना चीज़ है, तो मुझे मिल गया है प्रिंसेप घाट के बारे में। तो ये देखिए ये डिटेल्स दिया हुआ है, और ये बंगाली में लिखा हुआ है तो आप शायद नहीं समझेंगे, तो मैं जो मैं पढ़ी हूँ यहाँ पे मुझे पता चला है ये कोई हस्बैंड ने वाइफ के लिए नहीं किया है, ये असल में यहाँ पे कोई प्रिंसेप बोल के आदमी आया था बाहर से ये इंडिया में, तो वो 1840 में वो गुजर चुके थे, तो उनके उनके एक साल बाद ये लिखा हुआ है, देखिए बंगाली में लिखा हुआ है, उनसे एक साल बाद ये जो किया गया है ये प्रिंसेप घाट उनके याद में बनाया है। और इसमें खर्चा लगा था तब का, तब लगा था ये 12,000 दिखा रहा है, 12,000 रुपये खर्चा करके इसको बनाया गया था। ये 1841 में 12,000 का क्या कीमत रहेगा, क्या इतना बड़ा से एक बिल्डिंग बन जाता था, अभी 12,000 का क्या कीमत है सोचिए। और इसके पहले मैं इस बिल्डिंग के बारे में जो कुछ भी बोली हूँ मैं पहले ही बोल चुकी थी कि मुझे मालूम नहीं है, तो उसके लिए सॉरी, मैं कान पकड़ती हूँ, ये कोई कोई हस्बैंड ने वाइफ के लिए नहीं बनाया था, तो मैं अभी कान पकड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, बाद में जाके नहीं तो मेरा पिटाई होता तो सॉरी। तो ठीक है, फिर भी ऐसे ही बनता है, जब भी कुछ बनता है ना, कोई गुजर जाता है उसके बाद ही बनता है, उससे पहले क्यों नहीं बनता है यही मैं सोचती हूँ, क्यों गुजर जाने के बाद उनके नाम से इतना बड़ा बड़ा काम करता है, पर रहते उनका कीमत नहीं देते हैं। जब आदमी रह जाता है तब उनका कीमत नहीं रहता है, पर जब गुजर जाते हैं तब उनका कीमत दिया जाता है, वो भी ऐसे बिल्डिंग बना के। ठीक है, तो चलिए अभी नदी के किनारे जाते हैं, शाम होने को ढलने को आया है, तो इसके बाद शायद मैं दिखा नहीं पाऊंगी, तो उस तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स ये हम लोग इस तरफ है, बीच में रेल लाइन दिया हुआ है, स्टेशन है, यही स्टेशन में हम लोग उतरे थे, ये प्रिंसेप घाट स्टेशन है, स्टेशन लिखा हुआ है इस तरफ। तो अभी उस तरफ जाएंगे तो गंगा का नज़ारा दिखेगा, गंगा है उस तरफ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं और हम लोग खरीदे हैं ये क्या है घटी गौरव, तो हम थोड़ा बहुत खा भी लिए हैं। और ये देखिए गंगा के नज़ारा, प्रिंसेप घाट उस तरफ बिल्डिंग दिखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में गंगा नहीं है, छोटा सा ही है। और ये एक ओवर ब्रिज गया है, देखिए बहुत ही अच्छा लगता है रात को, क्योंकि यहाँ पे कलरिंग लाइट जलता है, तो वो लाइट जब जल जाएगा ना तब ये इतना अच्छा दिखेगा। मैं रात तक रात मतलब शाम ढलने के बाद ही रहूँगी, जब तक सामने ढलता है, जब इसका लाइट जल जाएगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कितना प्यारा लग रहा है। और अभी हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, तो थोड़ा खा लेती हूँ, इसका स्पेस आपके साथ शेयर करती हूँ। नमक ज़्यादा आ गया है मेरे को भी, तो
मेरा हस्बैंड ज़्यादा ही खा लिए थे, फिर भी देखिए एक खत्म हो गया। ठीक है, अपना का खा लिया, फिर मेरा भी खाते जा रहे हैं। मैंने चांस है, अभी मैं आपके साथ बिजी हूँ तो खा ले रहे हैं। थोड़ा बहुत खट्टा भी है, अच्छा लगता है, गरम गरम घोटी गरम बोलते हैं इसको बंगाली में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, किसी को भी पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और फ्रेंड्स, ऐसा मेरे साथ घूमने को आप चाहते हैं तो ऐसे मेरे साथ जुड़े रहते हैं चाहते हैं तो फ्रेंड्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं तो मुझे इंथ्रू मिलेगा, मैं और भी ब्लॉग करती जाऊंगी आप लोगों के लिए। देखिए अभी एक अपना ख़त्म कर लिया, फिर नेक्स्ट मेरा खा रहे हैं, सोचिए कैसा हस्बैंड है, पत्नी के लिए थोड़ा भी नहीं रखते, सिर्फ देखिए ये देखिए इनका पेट देखिए कितना साइज हुआ है, देख रहे हैं। हाँ, ये खा के हो गया। मैं डाइट कर रही हूँ और वो ये बढ़ा रहा है। मैं डाइट कम खा के जो भी बचाती हूँ ये खा लेते हैं। देखिए कितना पेट भर गया है। नहीं नहीं, अभी गणेश की तरह नहीं हुआ है, गणेश जी की तरह। हाँ, ये अभी ठीक ही दिखता है, अभी ये पूरा गणेश जी की तरह ही है, यहाँ से यहाँ तक पूरा फूल गया है। आज अब दोपहर में क्या क्या खाया है? मच्छी खाया है अभी, मच्छी खाया है दोपहर में। और क्या खाया? दाल है और राजमा का सब्जी, बस और कुछ। किसने पकाया है? मेरा बीबी ने, प्यारी प्यारी बीबी है, इसी ने पकाया है। तो कभी कभी जब छुट्टी के टाइम मिलता है तो मैं पका भी लेती हूँ कुछ खाना वगैरह, और स्पेशल था आज तो छुट्टी था तो मैंने पकाया है कुछ से। कैसे, कौन सा सबसे अच्छा लगा था आपको? मेरे को तो राजमा बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो एक दिन मैं राजमा को भी आपके साथ शेयर करूँगी, उनको अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लग सकता है। और एक बात, हाथ दुख रहा है मेरा, कब से पक रहे हैं, थोड़ा होल्ड कीजिए ना। तो अभी मुझे चांस मिला है, मेरा हाथ नहीं दुखता तो ना, तो ये मिलता ही नहीं, पूरा यही हजम कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ये अभी बाकी, नहीं नहीं खा लीजिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा हाथ में डाल के दिखाती हूँ इसमें क्या क्या थोड़ा ही बचा है। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, घोटी गर्म, इसमें प्याज है और ये किस क्या बोलते हैं इसको, भुजिया। हाँ, और है इसमें थोड़ा खट्टा भी था, मुझे लगता है खट्टा भी आम। हाँ, आम कच्चा जो आम है उसको भी डाला गया था, नमक मिर्ची वगैरह वगैरह और बहुत कुछ। चूड़ा है इसमें, चूड़ा है इसमें, चूड़ा 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 चीरे को, चीरा चीरा क्या बोलते हैं हिंदी में, चीरा पापड़ी है, वो पापड़ी है, ये सब मिला के ये बना हुआ है। चले अब खा लीजिए, नहीं तो मुँह में पानी आ जाएगा तो बोल नहीं सकोगे। ठीक है बेचारा, नहीं नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बीबी का हाथ से खाना और भी टेस्टी हो जाता है, है ना। ठीक है, ऐसा बात है, ये कैमरे के सामने है ना, इसीलिए सब कुछ अच्छा लग रहा है। जब ज़्यादा मीठी हो जाएगा तब पता चलेगा अच्छा है क्या झाल है, झाल मिर्ची यानी तीखा तीखा, कितना ज़्यादा तीखा डाल देंगे ना तब इनको पता चलेगा बीबी का हाथ का खाना कितना अच्छा है। चलिए नीचे थोड़ा ना उतरते हैं, नीचे उतर के फिर शूट करते हैं। अच्छा प्लेस है, देखिए इस तरफ गंगा है, बीच से रास्ता गया है, दोनों तरफ बगीचा है और राइट हैंड साइड में स्टेशन, तो इसीलिए हम लोग ट्रेन में आए ताकि नज़दीक भी हो और नज़ारा भी देख पाए। देखिए अभी ट्रेन एक गुजर रहा है, प्लेटफॉर्म में ट्रेन आ चुका है, एक आ रहा है इधर से, एक तो खड़ा हुआ है और एक आएगा लग रहा है। तो देखिए एक छोड़ दिया है ट्रेन और एक आ गया है। मुझे याद आया, मैं उस दिन मेरा जो ब्लॉग था लास्ट का, वहाँ पे मैंने दो घड़ी खरीदा था, तो वॉच खरीदा था रिस्ट वॉच, तो ये है एक, तो उस दिन मैं नहीं दिखा पाई हूँ, ये है उनमें से एक, ये मेरे लिए था, मेरा हस्बैंड का जो था वो अभी तक नहीं लाया है, वो तो अभी वो पहनने को भूल गया है और उनको पसंद नहीं था, पर मुझे पसंद आया। देखिए दिस वन, मुझे ये बहुत पसंद आया, सस्ते का है तो क्या है,
वो लोग तो बोले हैं 6 साइना जाएगा ही, तो ठीक है 6 महीना तो पहन लेते हैं ना, तो पीछे का जो लेडीज थक गया है क्या, नहीं तो अभी अभी हम लोग का पॉकेट खाली होना है। मैं किन्नर हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं मांग रही हूँ, इनको जोरी से ऐसा लमत रहे, ये दोनों खुश रहे। देखिए आपका नाम क्या है? मेरी नाम पूनम है। हम बहुत स्वीट है, थोड़ा हेल्दी है पर बहुत ग्लैमर है। सच में देखिए मेरे से भी ज्यादा ग्लो आ रहा है इनके फेस में, देखिए। ठीक है तो चलिए रखते हैं, थोड़ी देर बाद आपसे फिर बात होगी। तो इनसे मिलके अच्छा लगा, अच्छी थी। और देखिए यहाँ का नज़ारा, छोटा छोटा नाव है, कितना अच्छा लग रहा है। सभी नाव में 16 सिस्टम होता है। ओह देखिए अच्छा बात है, देखिए हर सब नाव के ऊपर सोलर सिस्टम है, तो यहाँ पर लाइट जलता है रात। देखिए सभी नाव में सोलर सिस्टम है, बहुत अच्छा लगा देख के। ये लेटेस्ट है, मैंने इससे पहले नहीं देखा है, देखा है आपने? नहीं, इको फ्रेंडली है, आग लगने का डर भी नहीं है। और ये देखिए कोई साहब ने ये नाव को रेंट में लिया है शायद, तो जिसके वजह से फुहारा खुला रहे हैं, और इसके बाद शायद वहाँ पर पार्टी होगा। ऐसा पार्टी मुझे भी चाहिए, कब दिलाएंगे आप? चलो देखते हैं, बहुत ही जल्दी देखते। अच्छा ठीक है, पर यहाँ पे हम दोनों ही तैरना नहीं आता है, दोनों ही गिर जाएंगे तो डर लगता है। नहीं लाइव जैकेट है, ये देखो लाइव जैकेट भी है यहाँ पे। लाइव जैकेट, हाँ फिर भी देखिए लाइव जैकेट तो हम लोग पहन लेंगे, रात में इसमें गिर जाएंगे तो लाइव जैकेट से क्या फ़ायदा, रात में कितना भी मछली है हमें खा लेंगे, है ना। आज मेरा हिंदी बहुत ही लस आ रहा है, बंगाली में बात करने का दिल जा रहा है। तो अमी क्या बोलना, এরকম যদি একটা পার্টি হতো আমরা গঙ্গায় বসে, আমার সোনার বাংলা নাকি, বাংলায় সোনার বাংলা। আর ওদিকে ওইটা দেখো ওভারব্রিজে চলে এসছে, এগুলো লাইটগুলো একটু দেখো লাইটগুলো। তো দেখি বেঙ্গলি জিনিস সমঝ মে আয়া হ্যাঁ সমঝ গে, তো ইয়ে হামলোক বেঙ্গল কো সোনার বাংলা বলতে হ্যাঁ। দেখি লাইট জল গে, अभी भी पूरा आसमान अंधेरा नहीं छाया है, अभी थोड़ा बहुत अंधेरा होने को आ रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। और जब पूरा रात हो जाएगा तब ये लाइट जलेगा और ये ओवर व्यू इतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे चलिए अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। अरे भूख भूख को मैं मेरे तो बोलता हूँ, हाँ कुछ खाने का भी दिल चाह रहा है। देखिए 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 क्या बोल रहे हैं, बंदा अभी मुझे मार देगा, नहीं खिलाएंगे तो सोचिए मैं वीडियो में छोड़ूंगी छोड़ूंगी, ये सब बोलते नहीं है कैमरे के सामने, पब्लिक वायलेंस है। सोचिए आदमी मुझे पीटता भी है, हां बोला है खुद से ये अभी पीटेंगे मुझे, हां मेरे दबो, बंगाली में बोले मेरे दबो, नहीं खिलाएंगे तो मेरे दबो। तो इतना घुमाए इनको फिर भी अच्छा नहीं लगा, कुछ खाना है। देखिए हम जो घोटी गरम खाए थे वो भी वही खा लिए थे। घोटी गरम से क्या होता है, मेरा एक मुंह तक। अभी बादाम हम लोग ट्रेन में खरीदे हैं, यानी मूंगफली खरीदे हैं, यहाँ पे कुछ की मिलेगा यानी। डाइट के चक्कर में मैं भी भूखा रह जाता हूँ लगता है इनको देख के। आपको क्या ये भूखा रहते हैं? ये भूखा रहते हैं, भर के खाना मिलता है ये। देखिए देखिए मैं फिर से इनको अपना पेट अंदर खींचे, देखिए नहीं अपना पेट अंदर खींचे, देखिए अपना पेट अंदर खींच के दिखा रहे हैं, तो पेट नहीं है। अच्छा सोचिए किसको खाना नहीं मिलेगा तो पीटेगा क्या अपने वाइफ को? ये पीटने के बाद बोले प्लीज मेरे लिए कोई भी हो बंदा जो मुझे प्यार करते हैं प्लीज जाके पुलिस को कॉल कीजिए, आके इसको पकड़ के लेके जाए और बहुत अच्छे से धुलाई करे। सचमुच कॉल कर देगा आप अपनी? नहीं 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 भाई मजाक था, भूल करके भी मत मार खिलाइए मेरे बच्चे को, छोटा सा बच्चा है अभी तक, भूल से बोल दिया है। नहीं नहीं सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं मार खाना इनको, नहीं मार। आई देखिए ट्रेन जा रहा है अभी, तो जाइए ना आप कुछ लेके आइए, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। नहीं ठीक है, नहीं भूख तो मुझे भी लगा है। ठीक है लाके, ठीक है चलिए हम लोग कुछ खाना लेके यहाँ पे आके बैठ के फिर आपसे बात करेंगे, उस तरफ जाके खाएंगे। यहाँ पर फोर लेन है, हाईवे में फोर लेन तो आप देखा है, यहाँ पर फोर लेन में
अलग से गाड़ी चलता है। सामने एक जो लेन है गंगा लेन, उसमें नाव वगैरह चलता है। बीच में है पैदल लेन, उसमें आदमी चलता है। उसके बाद है ट्रेन लाइन, उसमें ट्रेन चलता है। ठीक ट्रेन के बगल में ही रहा है बस लाइन, उसमें बस गाड़ी जो वगैरह चलता है चरपाइए वही चलेगा। यह कलकत्ते में पिछले ब्लॉग में इनका हिंदी क्या था, अभी देखिए इनका हिंदी कितना इम्प्रूव हो गया। मेरा भी इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, ये मेरे से भी फास्ट जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोले इनके तो? इनके लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा, इनके लिए स्पेशली, इनके लिए भी और मेरे लिए भी। और मैं चाहता हूँ पिछले वीडियो में जो लाइक था उससे भी ये ओवरटेक कर जाए, इसीलिए लाइक दबाना बहुत जरूरी है। अच्छा पिछले वीडियो में आपने आपका नाम नहीं बताया थे, आज तो नाम बोल। मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, प्रदीप कुमार, नहीं कुमार नहीं है, कुमार कार्ड डाले हैं तो प्रदीप है। ये इनका एकदम लीगल नेम है। तब उस दिन डर रहे थे क्या नहीं, क्या बोलूं? उस दिन से मैं मजाक से नहीं बोल रहा था, मैं मेरा बीवी पूछे क्या बोलो बोलो बोल दो, लेकिन कुछ नहीं बोला। सर ठीक है नेक्स्ट ब्लॉग में बता देंगे। ठीक है, नाम भी नहीं बोलना चाहते, सोचिए हम लोग क्या कुछ शेयर कर लेते हैं। और ये देखिए आपसे बात करते करते मुझे ये यहाँ पे ध्यान आया, देखिए मेरा यहाँ पे हालत यहाँ का थोड़ा थोड़ा दुख भी रहा है। हाँ बहुत जल्दी था है। तो ब्लॉग बनाना है, बाहर जाना है घूमने, अंधेरा निकल आएगा तो नहीं बना पाएगी रात में। अच्छा ही है, देखिए अंधेरे में ही बैठे हैं फिर भी आपसे बातचीत हो रहा है, यहाँ पे इतना लाइट है, हेलोजिन है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ खा पी लेते हैं, लेके आइए आप। इसके बाद आपको रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलेगा, ऐसे ही आपको स्ट्रीट फूड खाना है, खाना ही पड़ेगा। जो यहाँ पे आए हैं तो आपको स्ट्रीट फूड ही खाना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह है नहीं, तो हम लोग भी स्ट्रीट फूड ही खाएंगे। और मुझे अच्छा लगता है, इसका कुछ अलग किस्म का टेस्ट रहता है। पर मैं इससे पहले भी बोली हूँ, मैं देख लेती हूँ कौन सा दुकान में कैसा चीज़ बिकता है, कितना साफ सफाई है, सामान ये सब देख के ही मैं खाती हूँ। और कितना बिकता है देख लेना है, कौन सा दुकान में ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा सेल हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा सेल हुआ है वहाँ पे जाके ही खाना चाहिए, क्योंकि उससे वहाँ पे क्या होता है जल्दी से सामान बिक जाता है, रहता नहीं है कुछ। ऐसा नहीं है क्या आपका कल का खाना आज खाना पड़े, ऐसा नहीं है। तो ये सब देख के खाना चाहिए। और कोई भी स्ट्रीट फूड में कितना साफ़ सफाई रहता है वो देख के, बर्तन देख के, ये सब मैं देख लेती हूँ। हर लेडीज़ शायद ये सब देखते हैं, जेंट्स लोग शायद ये सब ध्यान नहीं देते। देखिए अभी देखिए रात हो गया है, और ये देखिए ओवर ब्रिज, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लाइट वगैरह ऑफ नाइस सा। तो फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा बहुत खा लिए हैं, क्या खाया हमने, मैं नहीं बोलूँगी, इनको भूख लगा था तो यही बोलेंगे। पाव भाजी खिलाया है मैडम ने, मैंने खुद से नहीं खुद से नहीं खाया है, उनका पसंद नहीं है। मुझे पाव भाजी, बड़ा पाव ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ पे यही ज़्यादा बिकता है तो क्यों नहीं खाए, क्या मिलेगा यहाँ पे। और चाउमीन वगैरह था तो मुझे लगता है कि कलकत्ते में हर जगह ही चाउमीन मिलता है, तो चाउमीन तो हम लोग खाते ही हैं। यहाँ पे पाव भाजी खाए क्या, बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं ये ब्लॉग ख़त्म करने के पहले बोलना चाहती हूँ, फ्रेंड्स मैं ये वीडियो मेरा स्पेशल क्या ऑन सेल में छोड़ूंगी या मेरा जो ब्लॉग चैनल है इंडियन शीर्षा ब्लॉग चैनल उस पर छोड़ूंगी, अभी तक डिसाइड नहीं किया है। पर आप लोग नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मैं इस ब्लॉग में आपको बोल रही हूँ, मैंने ब्लॉग चैनल मैंने खोला है जिसका नाम है इंडियन शीर्षा ब्लॉग चैनल। तो फ्रेंड्स उसमें जाइए, मेरा वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं उसका लिंक छोड़ रही हूँ, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उस चैनल में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे इसी तरह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे उस चैनल में जाके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरा जो स्पेशल क्या ऑन सेल है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह आपके साथ जुड़ी रहूँगी, मेरा जो भी मैं जो भी करूँगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक दीजिए, और मेरा स्पेशल क्या ऑन सेल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और उसके सिवा भी आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मेरा और भी ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरा उस चैनल में आप जा सकते हैं, उसके
उसमें भी जाके आपको सब्सक्राइब करना है। और एक बात फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सिर्फ सब्सक्राइब करके मत छोड़िए, सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ जो बेल बटन आता है, देखिए सब्सक्राइब बटन के पास ही एक बेल बटन भी आता है घंटी वाला, उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि उसको नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो नोटिफिकेशन ज़रूरी है, नोटिफिकेशन पहुँचेगा तभी आप जान पाएंगे मैं नया वीडियो अपलोड की हूँ। तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो अभी ट्रेन से आए थे, अभी जाएंगे कैसे अभी तक मालूम नहीं है, फिर चलते चलते कुछ और भी मुझे एंटरटेनमेंट मेरा रहेगा तो मैं ज़रूर अभी भी चालू रखूँगी मेरे ब्लॉग को। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, कुछ ईजी ट्रैवल होता है तो चली जाऊँगी, और कुछ इस बीच में कुछ बीतता है तो भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी।